राखी है, 11th क्लास की बच्ची, और ये अपना अभी जो इनको ट्रिप पे ले गए थे हम लोग, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आओ बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर। हम यहाँ से 10 बजे के आसपास निकले, फिर सर हम दामटा में हमने कुछ चीज़ें भी खरीदी, फिर हम उससे बाद आगे बढ़े तो आगे हमें बहुत मज़ा आ रही थी उस बस में। हम चिल्लाए, डांस किया, गाना गाए, हमको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। और फिर हम आगे पहुँचे तो हमारी बस कहीं कहीं रुक भी रही थी, हम वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे और हम बहुत सारी चीज़ें भी खरीद रहे थे। उसके बाद हम जब हम विकास नगर पहुँचे तो उसके पास में खड़ा पत्थर है, तो मतलब वहाँ से हम थोड़ा भटक गए थे, तो हम पत्थर गए और वापस आए, तो हम रात के लिए देहरादून पहुँचे। जैसे हम उस होटल में गए, ग्रैंड लैगेज उस होटल का नाम था, उसमें गए हम, तो जो वहाँ के मैनेजर थे उन्होंने हमें उस होटल के बारे में बताया, विस्तारपूर्वक बताया। फिर हम जैसे अंदर जाने वाले थे, उन्होंने हमको रूम की चाबियाँ दे दी और हमको रूम की चाबियाँ खोलनी नहीं आती थी, उन्होंने हमको बता दी ऐसे खुलती है। फिर हम उसके बाद रूम में गए, फिर रूम देख के कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा सर, हमने पहली बार देखा सर वैसा। अच्छा, वेरी गुड। फिर सर हम क्या क्या सामान था रूम के आपके लिए, क्या क्या रखा था सर? उन्होंने वहाँ पे सोफे थे सर, और टेलीफोन था सर, और कुछ चीज मतलब कीज थी सर, एसी थी, और फ्रिज था। फ्रिज भी था? बढ़िया। स्मार्ट टीवी थी, ये था, और अगले दिन अलमारियां भी थी। अगले दिन हम सुबह उठे और वो भी थी, वो चाय बनाने वाली केतली, पानी गर्म करने वाला वो नहीं था। अच्छा अच्छा, हटा दी थी, करंट वगैरह ना खा लो तुम लोग। अगले सुबह उठे हम सर, फिर हमने नहाए, फिर फ्रेश हुए, फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ते में हमने आलू परांठे और मैक्रोनी और दही, ऐसी अनेक प्रकार की चीजें ग्रहण की। और फिर हम उसके बाद आगे निकले, हम घूमने के लिए गए, हम गए विज्ञान धाम में, वहाँ पे हमको बहुत सारी रियली में देखने को मिली वहाँ पे। एक वो देखा कुआ? यस सर। ऐसा लगता है कि कितना गहरा होगा। अनंत कुआ देखा वो? शीशे थे सर उसमें लगाए एक दूसरे के समांतर, जिससे सर वो अत्यधिक गहरा दिख रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पे हमने बहुत सारी अनेक प्रकार की प्रैक्टिकल करी। फिर हम वहाँ पे तारा मंडल में भी हम गए, वहाँ पे हमने अनेक प्रकार के तारे देखे, जैसे धूम केतु और उल्कापिंड, ग्रह, चंद्रमा, सभी प्रकार के ग्रह देखे, सूर्य भी देखा। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी। उसके बाद गए हम FRI, वहाँ पे हमने पुरानी FRI का फुल फॉर्म फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर वहाँ पर हमने कंपनी थी 1900 पक्का देख लिया था किसी ने? चलो अच्छी वहाँ बात पे सर हमने पुरानी सभ्यता किसकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पे? ट्रेनिंग भी होती है ना वहाँ पे? हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लोग सेलेक्ट होते हैं, IFS या हमारे स्टेट गवर्नमेंट वाले, उनकी ट्रेनिंग भी होती है वहाँ पे। फिर सर हम FRI गए, वहाँ पे हमने पुरानी सभ्यता के बारे में जाना। वहाँ पे बहुत पुरानी लकड़ियाँ रखी थी और वो लकड़ियाँ वैसी की वैसी सेफ थी, रह रखी, उनमें किसी भी प्रकार का कोई जंग वगैरह नहीं था। तो हमको वहाँ जाके हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सा अनुभव मतलब फील हो रहा था उस वहाँ पे जाके। ऐसे हमने अनेक प्रकार की जानकारियाँ वहाँ से ग्रहण की। बहुत बढ़िया।